देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, पुनः निवेदन कर रहा हूँ। किसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं उस पर हम लोगों का यहाँ विचार व्यक्त करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसा हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि प्रतिदिन रोज़ सुबह 9 बजे इस प्रकार की एक एक्सेल शीट पर हम प्रत्येक राज्य को हमने कितनी डोजेस दी, किस वैक्सीन की दी, उन्होंने कितना उसमें से व्यय किया, कंज्यूम किया और कितना उनके पास बचा हुआ है, इसकी समीक्षा करते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये राज्यों द्वारा ही हमको दिए जाते हैं और हमारे कोलीग एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डॉक्टर मनोहर अग्नानी के डिवीजन में इस कार्य को किया जाता है। आज की समीक्षा में भी हमने कुछ राज्यों के साथ, जिन्होंने इस प्रकार के बिंदु उठाए थे माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक में, ये जानकारी साझा की थी कि उनके पास कितनी बैलेंस डोजेज हैं। तो आपके प्रश्न के एक हिस्से का मैंने उत्तर दे दिया। दूसरा हिस्सा है कि हम देश में क्या वैक्सीन कम दे रहे हैं, विदेश में ज़्यादा भेज रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि विदेश में जो वैक्सीन जाती है वो 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के तहत जाती है। एक इंटरनेशनल कमिटमेंट हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के हैं, और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ हैं, जैसे कोवैक्स। कोवैक्स क्या है, आप में से जिन लोगों की जानकारी में न हो, WHO, गावी और सेपी, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इन्होंने मिलकर कोवैक्स नाम की संरचना का गठन किया जिसमें विश्व के 190 देश सदस्य हैं, भारत भी सदस्य है। और इस संरचना के तहत दुनिया भर के विभिन्न वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस पेमेंट कमिटमेंट के तहत कुछ पैसा दिया गया। भारत में भी जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ये पैसा मिला, उस पैसे के एवज में वैक्सीन दी जानी है, वो इंटरनेशनल कमिटमेंट।